नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चीन द्वारा आरजीएफ को दिए गए कथित चंदे को तत्काल। यूपीए सरकार के कार्यकाल में चीन से आयात होने वाले सामान पर आयात शुल्क घटाने के विरोध में भाजपा द्वारा प्रदेश भर में पुतला दहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट के रानी अवंतीबाई चौक पर भी प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु भाजपाइयों ने रोक दिया। भाजयुमो के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि तत्कालीन यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ ने चीनी सामान के आयात पर लगने वाले शुल्क घटाकर देश के लघु उद्योगों का भट्टा बैठा दिया था, जिसके एवज में चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदे के रूप में लाखों रुपए दिए थे। जिस तरह से कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और परिवार को, खासतौर से गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए चीन से जो आयात होने वाले सामानों पे जो आयात की जो दर होती थी टैक्स की, वो इतनी कम कर दी जिससे हमारे लघु उद्योग बैठ गए। और ये सिर्फ गांधी परिवार को फायदा नहीं पहुंचाया कमलनाथ ने, पूरे देश के साथ गद्दारी की। और आज वही चीन हमारे देश को आग दिखा रहा है, हमारी सेना को आग दिखा रहा है। उस समय पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने की जगह मनोबल गिराने का काम कर रही है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, पूरे देश और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी सेना के साथ खड़ा है, उनका मनोबल ऊंचा रहा है, इसलिए पूरे देशवासी उनके साथ है। सिर्फ कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोगों के कहने पर हमारी सेना का मनोबल नहीं गिरने वाला है। और जिस तरह की गद्दारी चीन से आयात होने वाले सामानों पे करों की दर कम करके कमलनाथ ने की है, इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और जिस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने के लिए कमलनाथ ने जो समझौते चीन से करे हैं, उनकी जांच होगी और इसमें दोषी पाए जाने पर कमलनाथ जी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्हें देश माफ नहीं करेगा। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.